हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, इस वजह से ऐसी वॉइस है। आज का जो वीडियो है ये होने वाला है एक लुक बुक। मैंने रक्षाबंधन के लिए कुछ लुक्स क्रिएट किए हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल लुक्स रखे हैं जिससे कि हर कोई इन्हें बिल्कुल ईजिली क्रिएट कर सके। एंड फर्स्ट टाइम मैं कुछ इस तरीके का वीडियो अपने चैनल पर बना रही हूँ, सो आई होप आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, जितने भी कुर्ता सेट या साड़ी मैंने इस वीडियो में वेयर किए हैं वो सारे मैंने ऑफलाइन परचेस किए हैं, तो उनमें से मैं किसी का भी लिंक आपको नहीं दे पाऊंगी। बट जो ज्वेलरी है वो मैंने ऑनलाइन परचेस की है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ मेकअप, एंड क्योंकि ये एक लुकबुक वीडियो है, मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मैंने जो है ये मेकअप अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बस खाली क्लिप मैंने ऐड कर दी है। बिल्कुल सिंपल मैंने मेकअप रखा है, आगे फिर कभी मैं आप लोगों के साथ मेकअप का वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है मेरा फर्स्ट लुक, इसमें मैंने वेयर किया है एक स्कर्ट और एक ब्लाउज, और मैंने इसमें ऐड किए हैं दो कड़े, क्योंकि ब्लाउज जो है फुल स्लीव्स का है इसलिए मैंने इसमें दो सिंपल से कड़े ऐड किए हैं, और साथ में ऐड किए हैं मैंने एक रिंग। नेक पे मैंने वेयर किया है एक सिंपल सा नेकलेस, हैवी नहीं लिया है मैंने क्योंकि हैवी मैं इसके साथ इयररिंग्स वेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। हेयर जो है मैंने ओपन रखे हैं, एंड हेयर पे मैंने एक हेयर एसेसरीज भी ऐड की है जो कि किसी भी स्टोर पे या फिर ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगी। गर्ल्स के लिए ये लुक एकदम परफेक्ट है, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये है मेरा सेकंड लुक जिसमें मैंने वेयर की है एक ऑर्गेन्जा की साड़ी, एंड उसके साथ में मैंने वेयर किया है एक हाथ में काफ़ी सारे बैंगल्स, और एक रिंग भी मैंने इसके साथ ऐड की है। नेक पे मैंने ऐड किया है इसमें एक पर्ल का चोकर नेकलेस सेट, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसी के साथ के मैंने इसमें इयररिंग्स ऐड किए हैं, और ये है मेरा फाइनल लुक। बिल्कुल सिंपल जूड़ा मैंने इसमें बनाया है क्योंकि कभी कभी हमारा मन नहीं करता बाल खुले रखने का, तो जूड़ा भी काफ़ी अच्छा लगता है, एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला लुक। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में से कौन सा लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया है। थर्ड वाले लुक में मैंने वेयर की है एक अनारकली कुर्ती जो कि मैंने एक साड़ी की स्टिच करवाई थी, आप भी कुछ इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने वेयर की है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, एक रिंग मैंने ऐड की है, जूड़ा रखा है। ये लुक भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसके साथ मैं ले रही हूँ पिंक दुपट्टा, क्योंकि फ्रंट में आप देखेंगे ना तो कुर्ती पे पोटली वाले जो बटन्स होते हैं वो मैंने पिंक कलर के लगवाए थे, तो इसलिए मैं इसके साथ पिंक दुपट्टा ले रही हूँ। ये है मेरा फोर्थ और फाइनल लुक, इसमें मैंने वेयर की है एक बनारसी साड़ी, दोनों हाथों में मैंने वेयर किए काफ़ी सारे बैंगल्स, और एक रिंग मैंने इसमें वेयर की है। नेक पे मैं वेयर कर रही हूँ एक टेम्पल ज्वेलरी, क्योंकि जो सिल्क और बनारसी साड़ी होती है इनके साथ गोल्ड या फिर टेम्पल ज्वेलरी अच्छी लगती है, और ये ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन परचेज की है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसी के साथ के मैचिंग के इयररिंग्स मैं यहाँ पे वेयर कर रही हूँ। ये जो लुक है ना ये न्यूली मैरिड के लिए एकदम परफेक्ट है।
मैंने इसमें बीच की मांग निकाली है, सिंदूर भरा है और गजरा लगाया है। गजरे से ना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। एंड मुझे आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ये वाला लुक पसंद आया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा है। आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।